बहुत बढ़िया, ए बहुत बढ़िया गाइस, भाई केक काट दिया, भाई केक काट दिया। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो बाइक में हमने एक और नया मॉडिफिकेशन ऐड किया है, तो उस मॉडिफिकेशन को दिखाने के लिए एक छोटा सा वीडियो है और एक दो मतलब नए खबर भी है जो आप लोगों के साथ शेयर करना था मुझे। तो पहले मॉडिफिकेशन के बारे में आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, उसके बाद आप लोगों के बाल बुकी। सो कुछ नया देख सकते हो शायद से बाइक में। तो जी हाँ, हमने बाइक में अपना तेल की दी तो अभी तक नहीं करवाया, लेकिन बाइक का जो पीछे का सेक्शन है तो उसे हमने रिमूव कर दिया। और आप लोगों को पता ही है मैंने क्यों रिमूव किया, क्योंकि मुझे वो रॉ डिजिट लुक चाहिए और वो मडगार्ड एकदम भद्दा सा था, तो इसलिए मैंने लाते ही बाइक का वो मडगार्ड रिमूव कर दिया। सो यहाँ पे ये देख सकते हो, तो आई गेस ये फर्स्ट इन यूट्यूब है आप लोगों को 250 में। इससे पहले शायद से एक बंदे ने किया है, उसके बाद तो आई गेस मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये मतलब ऐसे इस लुक में आप लोगों को दिखाया होगा। तो कैमरामैन इधर आओ, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये बाइक परचेस कर रहे हो या फिर इसको परचेस करने के बारे में सोच रहे हो, देन आप लोगों को ये बात जाननी होगी। जब आप इसका ये स्टार नट खोल के इसका जो बैक मडगार्ड निकाल दोगे तो वहाँ पे एक इतना बड़ा सा होल होगा। तो आप लोग होल, मैं आप लोगों को होल एक बार ऊपर से भी दिखा देता हूँ सीट खोल के। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सीट खोल के दिखा देता हूँ, तो कैमरामैन इधर आओ। तो यहाँ पे ये जो आप ग्रीन ग्रीन पार्ट देख रहे हो ना गाइस, तो यहाँ से और थोड़ा करके दिखाओ ऐसे, तो गाइस देख सकते हो कितना बड़ा होल होता अगर यहाँ पे। तो मैंने एक ढक्कन लगा दिया इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा होल है, तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा यहाँ से अगर कीचड़ आए तो मेरा सर्किट ख़त्म एकदम। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ग्रीन प्लास्टिक लगा दिया और इसके ऊपर एक मोटा सा मतलब कवरिंग लगा दिया। तो जा सो आप लोगों के साथ कुछ और बातें भी शेयर करना था मुझे। तो बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, रुको बाइक को भी दिखा देता हूँ। सो बात यह है कि ये बाइक, मैं जहाँ पे रहता हूँ गुवाहाटी में, तो हमारे बोरपेटा से गुवाहाटी ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर दूर है। और गाइस बिलीव मी, जहाँ पे मैं पीजी में रहता हूँ गुवाहाटी में, वहाँ पे मतलब जहाँ पे मैं अपना SP125 खड़ा करता था, तो वहाँ पे बिलीव करो गाइस SP ही किसी तरह खुजता था। और आप लोग अगर ये नया ड्यूक को रियल लाइफ में देखा होगा, सॉरी हिंदी नहीं आता गाइस, पहले ही बोल दिया। तो ये बाइक अगर रियल लाइफ में देखा है तो आपको पता होगा ये बाइक ऑलमोस्ट एक Z900 के बराबर है। ये बाइक टूट जाएगा अगर मैं अपने पीजी में रखूँ। तो मेरा प्लान है कि मैं पहले एक रेंट हाउस में रहूँगा, भाड़ा घर जिसे बोलते हैं, और वहाँ पे एक अच्छा सा मतलब बाइक रखने का जगह देखूंगा, उसके बाद ये बाइक मैं गुवाहाटी में लेके जाऊंगा। और मम्मी वगैरह या फिर मेरी दादी वगैरह जो है सब मुझे मना कर रहा है कि अभी ये बाइक गुवाहाटी में लेके मत जा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, RC इंश्योरेंस और बस नंबर प्लेट और RC नहीं आया बाइक का अभी तक। तो और वैसे भी सच बोल देता हूँ, इस बाइक का माइलेज अभी 20 का मिल रहा है मुझे, तो इतने कम माइलेज में सिटी में मैं कैसे इस बाइक को हैंडल करूँगा। मम्मी मुझे उतना तो पैसा देती नहीं कि इस बाइक को ही सारा पैसा मैं तेल खिलाता रहूँ, मुझे और भी काम होता है गाइस, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो मैं आप लोगों को इस बाइक का कंटेंट देता रहूँगा, लेकिन एक यूनिक वे में। ये होगा कि 80 किलोमीटर उतना भी बड़ा डिस्टेंस नहीं है, होंडा सेन में 200 रुपये का तेल डालूँ तो आ जाऊँगा। तो मैं हर हफ्ते आऊँगा बोरपेटा और आके बाइक को संडे के दिन इस बाइक में जितना हो सके उतना कॉन्टेंट बनाऊँगा और पूरा हफ्ता उसे मैं अपलोड करता रहूँगा। तो ऐसा है, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इस बाइक को मैं अच्छे अच्छे प्लेसेस में ले जाके आप लोगों को मैं वीडियोस वगैरह या फिर सिनेमेटिक्स नहीं दिखा पाऊँगा कुछ महीनों के लिए, लेकिन हाँ बाइक का कंटेंट आता रहेगा, मैं मेहनत करूँगा। और होंडा सेन में भी मतलब वो डर्ट बाइक में भी आप लोगों का पूरा एकदम डिट्टो कंटेंट मिलता रहेगा जैसे पहले मिलता था। इसमें अभी मैंने मडगार्ड रिमूव किया है, तेल टीडी करना है, उसके बाद सिरामिक कोटिंग ये सब करना है, वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो रिम में भी आप लोगों को पता ही है वो व्हाइट KTM वाला स्टिकर भी ऐड करना है। तो उसके बाद क्रैश गार्ड वगैरह लगाना है, मोबाइल होल्डर लगाना है, मिरर्स रिमूव करने हैं, उसके बाद रैपिंग वगैरह का भी कुछ सीन हुआ तो देखेंगे बाद में। तो मेरे हेल्प के लिए जुबिन और पोलाख दोनों आया था। तो ऐसा है बाइक अभी के लिए पीछे से,
तो दो लड़के आ रहे हैं, उनका रिएक्शन लेते तो गाइस बोला था ना रिएक्शन तो मिलते हैं। बहुत बढ़िया, ए बहुत बढ़िया गाइस, भाई केक काट दिया, भाई केक काट दिया। तो चलो लास्ट में एक राइड ही लेके आते हैं बाइक का, मतलब पोलक के घर जा रहा है, थोड़ा सा मतलब कांड हो गया ना गाइस, भाई इसने केक काट दिया, मतलब गूगल ने केक काट दिया वहाँ पे। ये सब दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो आपको पॉकेट भी दिखाता हूँ। आइए थोड़ा पता नहीं पोलक मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है, लेकिन काफी खूबसूरत है लोकेशन। ये आसाम ऐसा होता है गाइस, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, आसाम के घर ऐसे होता है गाइस। लेकिन ये गोबर, गोबर से मुझे सख्त नफरत है गाइस, ये क्या चक्या मैंने वहां पे, पवित्र ही है भाई।